चलिए स्टार्ट करते हैं 4 दिसंबर का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जो आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, स्टैटिक बेस सारा। ठीक है, शुरू करते हैं। ये नोटिफिकेशन जैसे चल रहा है, बीपीएससी, बीएसएससी और एसआई के जो सारे एग्जाम आने वाले हैं इनके प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू है इस कोचिंग सेंटर में। आपको ऑफलाइन ऑनलाइन जैसे भी चाहिए आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको जो है मिल जाएगा प्रैक्टिस सेट जो भी स्ट्रीम का आपको चाहिए, चाहे वो बीपीएससी ट्री का हो, बीएसएससी का हो या एसआई का हो। चलिए आज का टॉपिक है हमारा कांगला फोर्ट, प्रोजेक्ट 15B, उड़ान, इलेक्शन रिजल्ट एंड डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी। ये सब क्यों न्यूज में है आज देखेंगे हम। कांगला फोर्ट जो है मणिपुर में एक फोर्ट है जो जिसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है, और ये न्यूज में इसलिए है कि जो आपका प्रोजेक्ट 15B चल रहा है इंडिया में 2011 से। प्रोजेक्ट 15B इंडियन नेवी का वो प्रोजेक्ट है जिसमें 4 वारशिप बनाया जाएगा, डिस्ट्रॉयर बनाया जाएगा और अलग अलग जगह पर डिपोर्ट किया जाएगा। ये चारों बनकर तैयार हो चुका है और डिपोर्ट भी हो चुका है। ठीक है, तो उसी के बारे में इस कांगला फोर्ट में आज न्यूज, कांगला फोर्ट जो है न्यूज में चल रहा है अभी। ये देखिए, आईएनएस इम्फाल इंडिजीनियस डिस्ट्रॉयर इंडियन नेवी वारशिप है ये, जिसको बनाया गया है आपके कोस्टल रीजन में सेफ्टी के लिए। ठीक है, डिस्ट्रॉयर है ये, इस तरह का 4 डिस्ट्रॉयर प्रोजेक्ट 15B के तहत बन रहा है। ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे कि क्या है प्रोजेक्ट 15B। कांगला, द कांगला ऑफिशियली नोन एज द कांगला फोर्ट, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये है कहाँ, तो ये मणिपुर में है। ठीक है, उसके बाद ये एक ओल्ड किला है। ठीक है, किला टाइप का है जहां राजा बैठते थे। ठीक है, इसीलिए अभी ये न्यूज में है क्योंकि इसको जो है आईएनएस इम्फाल पे जो है इन बिल्ड किया गया है, इसके शेप को जो, इसके नक्शे को जो है डाला गया, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ सकता है कि कांगला फोर्ट कहाँ है, तो मणिपुर में है। ठीक है, अब देखिए मणिपुर की लोकेशन याद रखिएगा कि मणिपुर आप सॉरी मणिपुर यहाँ है, ये नागालैंड है, इसकी लोकेशन याद रखिएगा आप मणिपुर की, कि ये किससे बाउंड्री शेयर करता है, तो म्यांमार से करता है। याद रखिए यहाँ पे आपका म्यांमार है। ठीक है, और मणिपुर का याद रखिए कि मणिपुर आपको 21 जनवरी 1972 को बना था। उसके बाद मेघालय भी जो है आपका, ये भी 21 जनवरी को ही बना था, और आपका त्रिपुरा भी जो है 21 जनवरी को ही बना था। ये तीनों डेट भी यहाँ से इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नागालैंड के बारे में बात करें तो नागालैंड आपका बना था 1 दिसंबर 1963। ठीक है, अभी नागालैंड का जो है फाउंडेशन डे भी मनाया गया है, हॉर्नबिल फेस्टिवल मनता है यहाँ इसके फाउंडेशन डे पे। आपको याद रखना ये भी कि आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है कहाँ मनाया जाता है, तो वो नागालैंड में मनता है। अरुणाचल प्रदेश का भी याद रखिए कि अरुणाचल प्रदेश कब बना, 20 फरवरी 1987, और इसी डेट पे आपका मिजोरम भी बना है। ठीक है, ये दोनों याद रखिएगा। इस तरह से नॉर्थ ईस्ट से जो है बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, डेट वाइज बनता है, बाउंड्री से रिगार्डिंग बनता है, जैसे अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो है किस किस से लगती है, इस तरह का क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो ये देखिए यहाँ पे आपका भूटान है। ठीक है, उसके बाद यहाँ तिब्बत यानी चाइना हो गया, और इसके बाद इसकी सीमा म्यांमार से लगती है, 3 जगह से इसकी सीमा लगती है। ये सब चीज जो है नॉर्थ ईस्ट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब आप ध्यान में रखिएगा तो आपके क्वेश्चन जो है आराम से बनेंगे। ठीक है, तो अब आते हैं हम कि ये जो न्यूज में है आईएनएस इम्फाल। ठीक है, और सिक्किम का भी याद रखिएगा कि सिक्किम जो है कब बना आपका, सिक्किम आपका बना है 1975, 16 मई 1975। इस तरह से आपको सारे नॉर्थ ईस्ट 7+1 जो है वो पता हो गया, और असम आपका 26 जनवरी 1950 को बना। ठीक है, ये सारा डेट याद रखिएगा आपके लिए, ये डेट सब नॉर्थ ईस्ट वाला डेट इंपॉर्टेंट है, उसकी बाउंड्रीज इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल अभी जो आपने ये अरुणाचल प्रदेश के बारे में देखा सब कुछ, अभी आपसे
अगर आसाम की बाउंड्री पूछ दे कि कहाँ कहाँ से लगती है, तो ये देखिए यहाँ भूटान से लगती है इसकी बाउंड्री, और उसके बाद यहाँ आपकी बांग्लादेश से लगती है, ठीक है। त्रिपुरा पूरी तरह से जो है बांग्लादेश से घिरा हुआ है, मिजोरम से नहीं घिरा हुआ है। मिजोरम की बाउंड्री जो है ये म्यांमार की बाउंड्री ऐसे आई है, तो म्यांमार मिजोरम और मिजोरम जो है टच करता है आपके बांग्लादेश और किससे, म्यांमार से। ये सारी बाउंड्रीज वगैरह जो है नॉर्थ ईस्ट की इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन पक्का बनता है, ठीक है। आते हैं कांगला फोर्ट पे, और कांगला फोर्ट पूछेगा कहाँ है, तो मणिपुर में है, ठीक है। ये सारी बात जो है आपके स्टैटिक प्लस करंट से रिलेटेड है। करंट इसलिए रिलेटेड है कि अभी कांगला फोर्ट का जो शेप था वो इसके ऊपर जो है इनबिल्ड किया गया था, ठीक है। और इसको इस INS इम्फाल को किसने बनाया है ये भी ध्यान में रखिएगा। ये जो मैसगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने बनाया है, जो महाराष्ट्र मुंबई की कंपनी है, याद रखिएगा कि इसको। और इसके साथ साथ तीन और शिप डिस्ट्रॉयर शिप बना है, वो तीनों को भी याद रखिएगा, और वो कहाँ पोस्ट है ये सबको याद रखिएगा। देखिए आपको, देखिए कांगला फोर्ट ऑल्सो नोन एज कांगला पैलेस इज अ सिंबल ऑफ मणिपुर। इसका सिंबल याद रखिएगा कि कांगला फोर्ट का सिंबल भी आपसे पूछ सकता है, तो बताइएगा कि ये मणिपुर की ग्रेटनेस और स्ट्रेंथ का जो है प्रतीक है कांगला फोर्ट, ठीक है। कांगला फोर्ट से क्वेश्चन बनेगा तो यही बनेगा कि कहाँ पाया जाता है और इसका मतलब क्या है, तो ग्रेटनेस और स्ट्रेंथ का मतलब है मणिपुर के लोगों के लिए ये, ठीक है। और मणिपुर जो है आपके नॉर्थ ईस्ट में है, कब बना ये सब आपको बता दिया गया है। अब इसके अलावा तीन और जो आपका डिस्ट्रॉयर वारशिप है उसको भी ध्यान में रखिएगा। इसी तरह से न्यूज में जो चीज रहती है उससे क्वेश्चन बनता है। देखिए विशाखापट्टनम वाला सबसे पहला था, उसके बाद मुगांव, ये जो है गोवा में है, इसका लोकेशन याद रखिएगा। ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, ये ध्यान में रखिएगा। ये आपके शिफ्ट हो गया अभी गोवा, और ये जो है सूरत, ये चार जो है आपका वारशिप डिस्ट्रॉयर जो है प्लेस है अपने अपने जगह पे। ये जो है 2022 में शिफ्ट हुआ, और ये आपका 2019 में हुआ था, ठीक है। मणिपुर से ये शिफ्ट हो गया है अभी कहाँ, गोवा के लिए, इसीलिए ये न्यूज में है कि। और ये जो है आपका 2016 में शिफ्ट हुआ था, ठीक है। ये सब डेट इंपॉर्टेंट है, इन चारों का डेट याद रखिएगा। देखिए द सेकंड शिप प्रोजेक्ट 15 बी मोरमोगांव वाज लॉन्च इन 2016 एंड इज बीइंग रिडाइड फॉर हार्बर ट्रायल्स, ठीक है। द थर्ड शिप इम्फाल अभी जो आपके न्यूज में है वो, ये सब याद रखिएगा। ये चारों, ये कहाँ के लिए, आंध्र प्रदेश, गोवा, इसके बाद इम्फाल, ये सूरत, ठीक है, चारों इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप देखिए कि कुछ एक्सरसाइज जो है साल 2023 में हुआ है, जो डायरेक्ट आपके क्वेश्चन में पूछ सकता है, जैसे कि प्रस्थान एक्सरसाइज 2023 कहाँ हुआ है, काकीनाडा विशाखापट्टनम में, याद रखिएगा आंध्र प्रदेश में हुआ है ये, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। उसके बाद चक्रवात एक्सरसाइज 2023 इंडियन नेवी एट गोवा में हुआ है, 9 अक्टूबर में हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है ये। उसके बाद इंडियन नेवी, ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट वाला जोन है, याद रखिए पहली बार ये एक्सरसाइज हुआ है तीन अलग अलग कंट्री के बीच, आपसे तीनों कंट्री के बारे में पूछ सकता है, तो मोजाम्बिक है, तंजानिया है और इंडिया है, ठीक है, तीन लोग के बीच हुआ है, इंडिया, मोजाम्बिक और तंजानिया, ये तीनों याद रखिए पहली बार हुआ है, ठीक है। और इसके बाद INS कृपान गिफ्टेड टू वियतनाम, ये जो है डी कमिश्नाइज हो गया था आपका कृपान, तो इसको किसको गिफ्ट कर दिया गया है, वियतनाम को, ये भी इम्पोर्टेंट है, स्टार मार्क लगा लीजिए, इससे आपसे पूछ सकता है कि INS कृपान किसको गिफ्ट किया गया है, कौन सी कंट्री को भारत के द्वारा, तो वियतनाम को गिफ्ट किया गया। INS त्रिशूल सर्विलेंस ग्रुप विथ विच कंट्री, तंजानिया के साथ जो है ये कोस्टल रीजन पे, समुद्री इलाके पे, इंडियन ओशियन पे नजर रखता है आपका कौन, INS त्रिशूल। ये सारा जो है आपके डिफेंस रिलेटेड क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन इस तरह का बनता है हर तरह के एग्जाम में, तो यहाँ पे सारा जो डेटा आपको दिया गया, सब इम्पोर्टेंट जानकारी दी गई, इसको ध्यान में रखिएगा। करंट और स्टैटिक दोनों से रिलेटेड था ये सब, जो है साल 2023 का है, इसलिए इम्पोर्टेंट है,
इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। देखिए अगर लोकेशन देखिएगा इसकी, तो देखिए एक गोवा यहाँ है, उसके बाद आपका आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम यहाँ पर एक है शिप आपकी, और एक आपकी यहाँ थी, ठीक है, आपकी यहाँ थी इम्फाल, और एक सूरत में है यहाँ है आपकी, ठीक है। ये चारों लोकेशन है इन चारों की, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। आप आपसे पूछ सकता है, इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि प्रोजेक्ट 15B क्या है। तो प्रोजेक्ट 15B आपको बता दिया गया कि इसके थ्रू चार जो है ये डिस्ट्रॉयर नेक्स्ट जनरेशन स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर जो है बनाया जा रहा है। गाइडेड मिसाइल आपकी क्रूज मिसाइल हो गई, आपकी इस तरह की जो मिसाइल है वो सब गाइडेड मिसाइल है। सबसे लैस है ये आपका विशाखापट्टनम, मुर्गुमू और इम्फाल और सूरत, ठीक है। ये जो INS इम्फाल आप देख रहे हैं पिछले इमेज में, ये सब जो है इस पे इनबिल्ड है, आपकी क्रूज मिसाइल वगैरह। अब देखते हैं, और ये लोग देखिए यही है आपका इम्फाल, ठीक है, कांगला फोर्ट यही है, ठीक है। देखिए चलिए नेक्स्ट है अपना RCS उड़ान, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, ठीक है। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान, उड़ान जो है बहुत चर्चा में रहता है, ठीक है। अभी ये न्यूज में इसलिए है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि इसके बजट को जो है बढ़ाया जाएगा, ऐसा डिमांड किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के थ्रू कि इसके बजट को जो है बढ़ाया जाए, क्योंकि इसका बहुत सारा जो है काम डिस्टर्ब हो गया था। कब? ड्यूरिंग कोरोना के पीरियड में इसका बहुत सारा काम जो है रुक गया था, होल्डिंग पे था, अभी तक ये पीक नहीं पकड़ा है। इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने कहा है कि इसको जो है दोबारा से स्टार्ट किया जाए, और इसमें जो है इसका बजट बढ़ाया जाए। तो वही 25 से 30% बजट में इम्प्रूवमेंट की बात कही गई है इसके, ठीक है। यहाँ देखिए फाइनेंशियल ईयर 24-25 में जो है कहा गया 25 से 30% इंक्रीज की बात की जा रही है, कि अगर ऐसा हुआ तो समझ लीजिए ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का सबसे बड़ा बजट होगा, ठीक है। अब आपके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि RCS उड़ान ये कब आया था, इसका बैकग्राउंड जान लीजिए, और ये कैसे मतलब काम कर रहा है ये जान लीजिए, और ये जो उड़ान है आपका आया था 27 अप्रैल 2017 से, अभी इसका वर्जन 5वां चल रहा है, उड़ान 5.1, ये आपके काम के लिए इम्पोर्टेंट है, ये जान लीजिए। उसके बाद उड़ान का पूरा नाम याद रखिएगा, उड़े देश का आम नागरिक, ये आपसे पूछ सकता है, इस तरह का क्वेश्चन बनता है, ठीक है, पूरा नाम पूछा जाता है, ठीक है। अलग अलग वर्जन में अलग अलग कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है, कहीं नंबर ऑफ रूट्स बढ़ाया जा रहा है, इसके वर्जन का यही है कि कहीं रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा रहा है तो कहीं नंबर ऑफ सर्विसेज बढ़ाई जा रही है, ठीक है। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के मिनिस्टर का भी नाम याद रखिएगा आप, ज्योतिराय सिंधिया जो है इसके मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन, यूनियन मिनिस्ट्री जो है उन्हीं के अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की, ज्योतिराय सिंधिया के अंदर, ये आप बात याद रखिएगा। और बजट कितना बढ़ाया गया है, 1500 करोड़ जो है बढ़ाने की संभावना है, इसको भी ध्यान में रखिएगा आप, 1500 करोड़ जो है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का बजट बढ़ेगा, तो ये अभी तक का सबसे बड़ा सिविल एविएशन का बजट होगा, ये ध्यान रखिएगा, इसलिए इम्पोर्टेंट है। मिनिस्ट्री याद रखिएगा, ज्योतिराय सिंधिया के अंदर है मिनिस्ट्री इसकी। उसके बाद आप इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, उड़े देश का आम नागरिक, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका DGGI इशू GST डिमांड नोटिस, ठीक है। ये बॉडी आपके लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और जो नोटिस इशू किया है इन्होंने किसके लिए, GST के लिए, दो कंपनी पे, वो दोनों कंपनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये ध्यान रखिएगा। दोनों कंपनी का नाम याद रखिएगा, एक है जोमेटो और एक है स्विगी, ये दोनों कंपनी जो है फूड डिलीवरी की कंपनी है, दोनों जो है फूड डिलीवरी करती है। इन दोनों पे जो GST का टैक्स लगा है वो लगा है, देखिए आप करीब करीब
एक पे 400 करोड़ का लगा, एक पे 350 करोड़ के जीएसटी का ये लगा। ये अमाउंट भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब इतना बड़ा अमाउंट है तो ये बहुत ज्यादा न्यूज में चलेगा अभी, ठीक है। दोनों पार्टी जो है इसके लिए कोर्ट में भी जाएगी, दोनों कंपनी देखिएगा। इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि ये बॉडी क्या है और जीएसटी कब इंट्रोड्यूस हुआ, ये सब आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और ये दो कंपनी का नाम याद रखिए कि आपसे पूछ सकता है कि डी जी जी आई अभी जो है रिसेंटली कौन सी दो प्राइवेट कंपनी पे जीएसटी डिमांड की है, क्योंकि ये जो है इसमें से ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो रहा है कि ये एनएसई में रजिस्टर्ड है, ठीक है। और इसका अभी फर्दर प्लान था एनएसई में रजिस्टर्ड होने का, ठीक है। तो इन पे जुर्माना लगा। आपके लिए ये जानना जरूरी है कि ये डी जी सी ई आई जो है पहले कौन सी, इसका नाम था डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सेंट्रल एक्सरसाइज इंटेलिजेंस, ठीक है। ये टैक्स कलेक्शन, इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन की सबसे बड़ी बॉडी है, एपेक्स बॉडी है, ठीक है, ये ध्यान में रखिए। देखिए ये सबसे बड़ी बॉडी है, इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, यही हुआ अभी, नाम चेंज करके ये हो गया है आपको डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस, जी। इसका अब नया नाम ये है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस, ठीक है। और ये सबसे बड़ी बॉडी है टैक्स कलेक्शन की, इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन की, देखिए इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम डिपार्टमेंट। और इसकी मिनिस्ट्री भी याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जो कि सीतारमन है अभी, निर्मला सीतारमन, ठीक है। अब आपके लिए जीएसटी इंपॉर्टेंट इसलिए कि जीएसटी आया कब, ये आपसे एकदम कॉमन क्वेश्चन होता है, तो 1 जुलाई 2017 को। उसके बाद इसका स्लैब याद रखिएगा, 5 स्लैब है इसका, 5%, 12%, 18% और 28%, चार ही स्लैब है, ठीक है। ये चारों स्लैब आपसे पूछ लेता है कि इनमें से कौन जीएसटी का स्लैब नहीं है, ठीक है। तो 5 है 12 है 18 है और 28 है। 28 जो है लग्जरी आइटम पर है, ठीक है, और 5 से स्टार्ट है, 0 नहीं है जीएसटी स्लैब में, याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। और इसके बाद आपसे ये पूछ सकता है कि जीएसटी जो है कौन से अमेंडमेंट से आया था, ये सब स्टैटिक क्वेश्चन है जीएसटी बेस्ड का, ठीक है। तो ये 101वां अमेंडमेंट था, ठीक है, और इसके लिए कौन से आर्टिकल में जो है अमेंड किया गया था, तो 279, ये सब ध्यान रखिएगा। 280 जो है आपका फाइनेंस कमीशन है, ठीक है, ये सारे जो है इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, इसको भी ध्यान में रखिएगा आप। इस तरह से ये न्यूज में क्यों था, ठीक है, समझ में आ गया आपको। और ये नाम बदल के इसका क्या हो गया है, डी जी जी आई, अभी आर के पूरम है इसके डायरेक्टर, डी जी जी आई के, ठीक है, इसके डायरेक्टर कौन है, आर के पूरम, ये भी ध्यान में रखिएगा। किस दो कंपनी पे टैक्स की डिमांड हुआ है, जीएसटी का डिमांड किया है इन्होंने, साल 2017 से ही इनके ऊपर डिमांड हुआ है, देखिए साल 2017 से लेके 23 तक का जीएसटी डिमांड किया गया है इन पे, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो गया है, इसीलिए अमाउंट भी इतना बड़ा हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट जो है आपका क्या है, नेक्स्ट है आपका असेंबली इलेक्शन रिजल्ट, ये सब आपको पता ही होगा, लेकिन आपके लिए जो यहाँ पे से इम्पोर्टेंट है वो याद रखिएगा कि मिजोरम में जो पार्टी जीती है उसका नाम याद रखिएगा, इसका ये नाम याद रखिएगा आप, जोरम पीपल मूवमेंट, ठीक है, ये पार्टी का नाम है कहाँ की, मिजोरम की, ठीक है। बाकी सारी पार्टी का नाम आपको पता होगा, लेकिन आपसे यहाँ से पूछ देगा तो आपको मालूम होना चाहिए, जोरम पीपल्स पार्टी है ये, और ये 6 पार्टियों का अलियांस है, ये भी याद रखिए, 6 पार्टी का समूह है ये, ठीक है, 6 पार्टी से मिलकर ये बनी हुई है, ठीक है। और उसके बाद आप दूसरी सबसे बड़ी पार्टी जो रही है हर जगह, उसका नाम भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको तेलंगाना में इस पार्टी का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम याद रखिएगा, ठीक है, दूसरे नंबर पे रही है, जो चीज आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से इम्पोर्टेंट है उसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये दूसरे नंबर पे रही है, और बाकी सब जगह जो जो दूसरे नंबर पे की पार्टी रही है वो ध्यान में रखिएगा। और नंबर ऑफ सीट याद रखिए, जैसे मध्य प्रदेश में 230 सीट था, आपके छत्तीसगढ़ में 90 सीट था, आपसे पूछा जा सकता है कि असेंबली इलेक्शन तेलंगाना में जो हुआ है वहाँ टोटल सीट कितनी थी और बहुमत कितने पे था, तो तेलंगाना का 119 और 60, ये सब इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से, जो डेटा इलेक्शन को लेके इम्पोर्टेंट है वो याद रखिए, वो आपके काम का, ठीक है। जैसे कि यहाँ की मिजोरम की पार्टी जो जीती है उसका आपको नाम नहीं मालूम होगा, उसका नाम ही पूछ लिया जाएगा आपसे एग्जाम में,
ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही था। ये सारा काम का डेटा है, आप याद रखिएगा इनको, ठीक है, और प्रैक्टिस सेट बनाते रहिए और अपने एग्जाम के प्रति काम करते रहिए जो आपके आने वाले एग्जाम है। चलिए।